मैं तो अगर उस समय पैदा होता सम्राट अशोक के समय तो मैं उनको सलाह देता कि डीएनए के आधार पे जो है ना नागरिकता साबित हो। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होता तो उनको सजेशन देता कि डीएनए के आधार पे नागरिकता तय हो। डीएनए किसी को भी प्रूफ करने का सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आज मैं कहूं कि मैं आपका बेटा हूं, मेरे बाप आपकी संपत्ति मुझे चाहिए, तो उसका एक माध्यम है डीएनए। इस देश के लोगों का डीएनए टेस्ट करा लो और जो बाहर गए उनको बाहर भेज दो, जो इस देश के देश में रहेंगे, है ना। और ये जो देखो इनके पास कोई योजना तो है नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ वो बहुजन समाज के चर्चित चेहरे हैं जिनको देखने के लिए, मिलने के लिए आज पूरी दिल्ली नहीं पूरा देश बड़ा व्याकुल रहता है, संदीप वाल्मीकि जी की। संदीप भाई, बताया जा रहा है कि जो एनआरसी है या सीए है ये खत्म हो गया है और माननीय श्री मोदी जी भी यही बात को बोल रहे हैं, तो क्या लगता है ये खत्म हो गया है या क्या है वो बताएं। देखिए, खत्म तो इनकी हवा हो गई है जी। जिन लोगों ने सोचा था कि इस देश का जो भारतीय है वो इससे आराम से बैठ जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये तुम्हें हिंदू और मुसलमान बनाएंगे, तुम भारतीय बने रहने पर रहना। तो आज देश का मुसलमान सड़क पे है, आज देश का बहुजन सड़क पे है, और यहाँ तक मैं कहूँ जो दिमाग वाले, जिनके दिमाग में गोबर नहीं है, वो ब्राह्मण भी सड़क पे है, और वो ठाकुर बनिया भी सड़क पे है जो मानवता में भरोसा रखता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुजनों की इकलौती नेता बहन कुमारी मायावती इसका पुरजोर विरोध कर रही है, पासवान जी विरोध कर रहे हैं, और एनडीए में भी विरोध के स्वर उठने लग गए हैं। अभी सुभाष चंद्र बोस के जो पोते हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। ये कानून पहले कांग्रेस लेके आई थी राजीव गांधी के टाइम पे, अब भाजपा लेके आई है। मान्यवर साहब काशीराम जो बात कहते थे कि दोनों एक ही लोग हैं, तो ये साबित होता है इनके कर्मों से कि दोनों एक ही लोग हैं। लेकिन अब समझने की जरूरत है, कांग्रेस की तरफ नहीं जाना, अब हमें राजनीतिक रूप से बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाना पड़ेगा अगर सही में बदलाव चाहिए तो, नहीं तो लोग चाहते कि कांग्रेस की तरफ जाए। संदीप भाई, ये जो बताया जा रहा है कि एनआरसी खत्म करके जो मूल निवासी नहीं है या उनको बाहर भेजने की एक सत्ता करी जाती है, लेकिन बाहर कहाँ भेजेंगे, वो लेने वाला तो बने देश कोई भी। और दूसरी बात यह है कि जो सऊदी अरब है, कुवैत है, पाकिस्तान है, ये जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो भी अगर इस तरीके से भारत भेजना शुरू करेंगे तो क्या सिस्टम रहेगा देश का, वो भी बताएं। देखिए, मैं तो अगर उस समय पैदा होता सम्राट अशोक के समय तो मैं उनको सलाह देता कि डीएनए के आधार पे जो है ना नागरिकता साबित हो। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होता तो उनको सजेशन देता कि डीएनए के आधार पे नागरिकता तय हो। डीएनए किसी को भी प्रूफ करने का सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आज मैं कहूं कि मैं आपका बेटा हूं, मेरे बाप आपकी संपत्ति मुझे चाहिए, तो उसका एक माध्यम है डीएनए। इस देश के लोगों का डीएनए टेस्ट करा लो और जो बाहर गए उनको बाहर भेज दो, जो इस देश के देश में रहेंगे, है ना। और ये जो देखो इनके पास कोई योजना तो है नहीं, इनके पास कोई योजना तो, इतना रोजगार देने की योजना है, देश का युवा परेशान है, देश की महिलाएं परेशान है, देश का किसान परेशान है, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, और ये लोग करेंगे क्या यहाँ पर लागे। ये जो लोग हमारे लोग, कुछ लोग बाहर जाकर संपन्न भी हो गए, ये चाहते हैं कि दूसरी कंट्री इनको वापस भेजे और इन लोगों को दोबारा से उसी राम की व्यवस्था में, मनवादी व्यवस्था में भेजा जाए जहाँ से इनके पूर्व जाते थे। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।